नमस्कार 7 PM बुलेटिन को स्वागत करुछि मो संध्या प्रथमे हेडलाइंस पुणे बेंगलुरु राजपथ निकट मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना 13 यात्री मृत एकाधिक आहत मणिपुर कला बेले लुटर शिकार हेले महिला चली चली जाउथवा बेले सुना चेन झांपिले ने लुटरा घटनास्थल पुलिस छानबीन जारी झारखंड पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमीन जमी दुर्नीति मामलें जमीन पाई सोरेन यह मामलें आज हाइकोर्ट जमीन प्रदान कर मोबाइल रे कथा हेबा पुणी हेला महंगा जियो पर टारिफ बढ़ाला एयरटेल जुलाई 3 रु बढ़ प्रीपेड सह पोस्टपेड प्लान दिल्ली में भयंकर वर्षा प्रबल वर्षा भसुड़ा दिल्ली विमान बंदर छात छण गुरुतर आहत होता बेले उद्धार कार्य जारी गत काली राज्य में जारी रही वर्षा आसंता चार दिन पर्यंत वर्षा प्रबल लग रही आकलन कर आंचलिक पापा केन्द्र एवं नजर पकड़ संपूर्ण खबर उपर आज सका कर्णाटक एक मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना घटी एर जन जात्री मृत्यु घटी बेले एकाधिक आहत होती आहत मान उद्धार करातरखाना भर्ती करवस्था गुरुतर रही सूचना अनुसार पुणे बेंगलुरु राजपथ निकट रास्ता पाखे एकाधिक ट्रक पार्किंग ढड़ा होते समय एक जत्रीवाह मिनि बस ट्रक को धक्का देता एथरे घटनास्थल में 11 जन जीवन चली जाए आहत मान उद्धार कर डाक्तरखाना भर्ती करा चिकित्साधीन अवस्था दुई जन मृत्यु घटी मणिकुआर कला बेले लुट्र शिकार हेले महिला कटक सदर थाना अंचल जड़े महिला मणिकुआर जाऊता बेले दुर्बृत्त मैंने लुट कर महिला जनक चली चली जाऊता बेले किसी युवक बाइक आसी तुम्हारे सुना चेन छिड़ाई नहीं जाते घटनार पूरा चित्र सीसीटीवी रे कैद होई कटक सदर थाना रे एतला परे पुलिस घटनास्थल रे पहुंची छानबीन आरंभ करी झारखंड पूर्वतन मंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमीन जमी दुर्नीति मामलें जमीन पाई सोरेन यह मामलें आज हाइकोर्ट जमीन प्रदान कर जनवरी 31 रे अर्थ हेरफेर मामलें परिवर्तन निर्देशालय गिरफ्त कर पूर्व 9 थर समन पठाइवा पर शेषे दिल्ली स्थित बासभवन गिरफ्त कर सोरेन मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देते इस्तफा देवार किसी समय मध्य ईडी गिरफ्त कर सरला निर्वाचन बढ़ कॉल रेट जियो और एयरटेल निज निजर टारिफ वृद्धि करने को घोषणा कर बजारे सबुठ अधिक चलुवा सीम जियो 12-25% दर वृद्धि कर एयरटेल निज टारिफ वृद्धि करने को घोषणा कर 2021 सबुठ बड़ टारिफ दर वृद्धि जुलाई 3 तारीख रु जियो और एयरटेल निजर नुआ टारिफ रेट लागू करेंगे सबुच गुरुत्वपूर्ण कथा 5G सिम तथा मोबाइल चलाउथबा ग्राहकों को दिनक अति कम 2 GB अबतातु अधिक डाटा पाई रिचार्ज करने को पड़े नचेत सेमाने अनलिमिटेड डाटा व्यवहार करें दिल्ली में भयंकर वर्षा प्रबल वर्षा भुशुड़ा दिल्ली विमान बंदर छात इंदिरा गांधी आंतर्जातीय विमान बंदर एक नंबर टर्मिनाल छात भुशुड़ी पड़ फसी रही जानवाहन छात भुशुड़ी पड़ छण गुरुतर आहत होता बेले घटनास्थल में अग्निशम बाहन टीम पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिंट गुरुवार दिल्ली में प्रबल वर्षा जारी रही विभिन्न स्थान में जलबंदी स्थिति देखा मिली तबे आज सका विमान बंदर एभली अघटना घटी कार उपरे छात भुशुड़ी पड़ कार भितर थिबा लोक माने आहत होती अन्यपटे हजार हजार लोके जलबंदी अवस्था रही रास्तार फसी रही शह शह जानवाहन और यात्री स्थिति एपरी होई जे अनेक बस अधाबुड़ा अवस्था रही किसी स्थान में आंबुलांस फसबार दृश्य आसी गत 2 मास प्रबल ग्रीष्म ज्वाला परे एबे वर्षा तांडव दिल्लीवासी को नाकेदम करिछे अनेक नगर में लोके घरु पदा को आसिबा असंभव होई पड़िछे एबे समय होइछि छोटो ब्रेक रो ब्रेक परे खबर जारी रहिबो मौसुमी वर्षा आरंभ सह जलवाहित रोग जथा डायरिया जंडिस टाइफॉइड आदि व्यापे एथिप्रति सतर्क रुहंतु
ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫୁଟା ପାଣି କିମ୍ବା ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା ପଡ଼ିଥିବା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଶୌଚ ହେବା ପରେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ହନ୍ତସନ୍ତ ଖାଉଟି, ଗୃହିଣୀ କାନ୍ଦୁଛି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ, ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ବଜାରରେ ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧନୀଠାରୁ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏହି ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି। ପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ପନିପରିବାର ଏଭଳି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଭଳି ମହଙ୍ଗା ବଜାରରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରେ ଥିବା ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ତଥାପି ପେଟ ପାଇଁ ତ ନାଟ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି ଶତକ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୂଆ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି ନୂତନ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନୂଆ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭୋଟ ସମୟରେ ନୂତନ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସରକାର ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକାଯାଇ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦାମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV। ମୋ ବସ୍ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, କଟକ ସିଡ଼ିଆ ସେକ୍ଟର 9ରେ ମୋ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ବସ୍ରେ ମାତ୍ର 3-4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଏହି ବସ୍ଟି କଟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ବସ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ର କିଛି ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଦିଅଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ। ଆଜି 3 ରଥ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 3 ରଥରେ ଖପୁରୀ ସମେତ ପାରାଭାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ 13 ପ୍ରସ୍ତର ପୋଚଳ ସେଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 3 ରଥର 2 ଲେଖାଏଁ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ 27,000 ଜମାକାରୀଙ୍କ ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ହଜିଗଲା 0 ଆକାଉଣ୍ଟର ଓପନିଂ ଫର୍ମ, ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କଲା 27,000 ଜମାଖାତା। ହଜାର ହଜାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ଆସୁଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାସୁଦେବପୁର ଶାଖାରୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସରଳୀକରଣ କଲେ। ଖୋଲିଲା 0 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖାତା, ଲୋକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଲେ ଟଙ୍କା କାରବାର। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ ସବସିଡି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୃଷକମାନଙ୍କର କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଦି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଏହି ଜମା ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟର ଜମାକାରୀଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା? ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଫର୍ମ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିବାରୁ ବାସୁଦେବପୁର SBI CM ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଚାପ ହେବାରୁ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଏକକାଳୀନ 27,000 ଆକାଉଣ୍ଟ 2023 ମେ ମାସଠାରୁ ଆକାଉଣ୍ଟର କାରବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ପାଇ ଜମାକାରୀମାନେ ମିନି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ AFI ଲିଗାସି ପରିବର୍ତ୍ତେ KYC ଦେଲେ ଜମାଖାତା ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା,
कलेक्शन हेला के वाईसी डॉक्यूमेंट आहुरी रहीगले पाखापाखी 8,000 जमाकारी। बसदेवपुर स्टेट बैंक शाखार चीफ मैनेजर निर्देश में सरकारी नीति नियम को उल्लंघन कर जमाकारी सूचना नदे जमाखातर टंका काटी बीमा कर सेमानंक मध्यरे एडताला पंचायतर गोपाल दासंक पत्नी मीनाक्षी दास, बासदेवपुर पौरपालिका वंशीपाटणा रघुनाथ दासंक पत्नी शांतिलता दास बारंबार अभियोग करी निराश हेबा परे कटकरे शिशु श्रमिक निराकरण सचेतनता रथर शुभारंभ। कटक जिला को शिशु श्रमिक मुक्त करबा तथा शिशु श्रमिक नियोजन विरोध में सचेतनता लक्ष्य नहीं कटक जिलापाल कार्यालय शिशु श्रमिक निराकरण सचेतनता रथर शुभारंभ कर अतिरिक्त जिलापाल उन्नयन डॉक्टर दिव्यलोचन महांत पताका देखा रथर शुभारंभ कर 14 वर्षर कम बयसर शिशु को कौन प्रकार वृत्ति नियोजन नक 15-18 वर्षर किशोर मानू विपद संकुल कार्य नियोजित करवृत्त रखा बार्ता नहीं रथ जिलार 14 ब्लक परिभ्रमण कर शिशु श्रमिक नियोजित करुवा व्यक्ति मानी जोरीमाना और दंड विधान नियम रही ए संपर्क में जेकोसी सचेतनता नागरिक निःशुल्क श्रमिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 1555368 और चाइल्डलाइन नंबर 1098 अभियोग करें। जिला प्रशासन पक्षर केवल शिशु श्रमिक मानू उद्धार करें उपयुक्त थैथान शिक्षा और परिवार आर्थिक स्थिति जांच कर समस्या समाधान पर चेष्टा करें। यह अवसर में जिला प्रशासन एवं जिला श्रम विभाग आनुकूल्य जिलापाल कार्यालय ठारे जिला स्तरीय शिशु और किशोर श्रमिक आईन संपर्कित एक सचेतनता कर्मशाला अनुषित हो अतिरिक्त जिलापाल डॉक्टर दिव्यलोचन महांत बैठक में अध्यक्षता कर शिशु श्रमिक भली एक सामाजिक व्याध्या को समाज दूरीभूत करने निम्ते आह्वान देते विभिन्न स्थानों शिशु श्रमिकों को चिन्हट करने निम्ते जिला स्तरीय टास्कफोर्स गठन कराई अचानक चढ़ाव करा को निष्पत्ति ग्रहण होतीसह उधार होता पिलाुक्त थैथान करमें जिला प्रशासन पक्षर समस्त प्रकार उद्यम करने को निजर प्रतिक्रिया रे कहिथिले। शिशु श्रमिक मानू विभिन्न कार्य किभली भाव में आम निवृत्त कर रखिपर निषेध करूँ से मुहर टी हस फुटापी आम एक प्रयास जारी करवसर में आज आम गोटे रथ चलो जो थी पूरा सबू ब्लक कवर कर एंटायर जिलार सब ब्लक कवर कर जो थी कि शिशु श्रमिक आईन टी विस्तृत भाव में वर्णना कर आईन जो मैंने न पालन नक से किभरी भाव दंड विधान व्यवस्था करें प्रसार भाव में आज विस्तार करने प्रयास चलो शिशु श्रमिक आम चेष्टा चलु यह आम कर्तव्य आम देशर समस्त नागरिक कर्तव्य एवं यार मूल लक्ष्य हवा दरकार कि आम किभली भाव में आम देश को हसाइबा शिशुटी हसिले आम राज्य हसिबा आम देश हसिब। गत कालीठारु राज्य में जारी रही प्रबल वर्षा बंगोपसागर में सृष्टि होता घूर्णिवलय उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय अंचल अवस्थित रही यार प्रभाव में सारा ओडिशा रे वर्षा लागि रहिछे। आसंता 4 दिन पर्यंत वर्षा लागि रहिबो बोली पाणिपाग केन्द्र आकलन करिछे। आज 7 जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रहिछे। गंजाम कंधमाल पुरी खोर्धा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा और भद्रक जिले में आज प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रहिछे। सेहिपरि बालेश्वर केउंझर मयूरभंज जाजपुर कटक झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ एवं सुंदरगढ़ में प्रबल वर्षा होपे। आज 30 तारीख मध्य उपकूल ओडिशार समस्त जिला समेत संलग्न जिलागुड़े काल बैशाखी प्रभाव लग बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होगासह किसी जगार घंटा प्रति 30-40 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे आकलन कर आंचलिक पापा केन्द्र। तबे समय सरी आज बुलेटिन को ये रखुचु अधिक खबर पर आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं रोचु नमस्कार।